कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच बातचीत बनती नजर नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी के सामने किसानों ने पेश होने से ही मना कर दिया है। उनका कहना है कि जो कुछ भी तय करना है वो सरकार के साथ ही उन्हें तय करना है, और आने वाली 26 जनवरी की परेड के बारे में किसानों ने क्या कुछ कहा आपको उन्हीं की जुबानी सुना देते। किसान और सरकार के बीच समाधान निकालने के लिए कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी आज पहली बैठक हो रही है। तमाम किसान संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका क्या रुख है। क्या नाम आपका? अजीत राठी। अजीत जी, क्या रुख है, आज पहली बैठक हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखने के लिए, किसान संगठन जाएंगे उसके सामने अपनी बात रखेंगे? नहीं, किसान ने तो सरकार के सामने अपनी बात रख दी। जो कमेटी तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, ठीक है, कमेटी में कोई नहीं, लेकिन जो कमेटी में लोग हैं आप देख लो, पहले ही से जो कानून का पक्ष रख रहे, तो क्या उनसे उम्मीद करी जाए। सर, आज पहली बैठक हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, क्या किसान पहुंचेगा, अपना पक्ष रखेगा वहां पे? कमेटी की पहली बैठक हो रही है, कहाँ है कमेटी? 4 सदस्यीय कमेटी थी, एक उसमें से भाग लिया, वो शामिल नहीं होना चाहता, अब कमेटी का कोई अस्तित्व रह गया? ये तो सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए कि जो हमने कमेटी बनाई है, जिस मंशा से बनाई है, उस मंशा के अनुरूप काम कर पाएगी। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं आज जो पहली बैठक हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है उसको लेकर कोई बहुत उत्साह किसानों में नहीं है। और जहां तक रही बात ट्रैक्टर रैली की, गणतंत्र दिवस पे किसान अभी भी अड़ा हुआ है कि वो हर हाल में अपनी ट्रैक्टर रैली करेगा। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update.